माध्यमिक शाला ऑनलाइन स्टडी में आप सब बच्चे का स्वागत है। मैं अगले हफ्ते में हमने देखा नमक का दरोगा बैरन सिंह जी की एक कहानी, तो अब हम स्वाध्याय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम ले लेते समाना, पहले हम लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए विकल्प में से चुनकर। आप स्वाध्याय में देखे और प्रश्न पहला है, नमक बाग के दरोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई? पंडित आलोपी देव, बदलू सिंह, बंसीधर, बुद्धि वृद्ध मुंशी जी। तो उसमें सही अर्थ है नमक बाग के दरोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो ख बंसीधर जी। प्रश्न नंबर बे दो, नमक की गाड़ियां किसकी थी? प्रश्न नंबर दो, नमक की गाड़ियां किसकी थी? तो क वंशी दर की, पंडित आलोपी जगन्नाथ की, पंडित आलोपी दिन की, ग बदलू सिंह। तो सही अर्थ हम देखे तो ग पंडित आलोपी दिन की थी। तीन, पंडित आलोपी दिन को किस पर अखंड विश्वास था? पंडित आलोपी दिन को किस पर अखंड विश्वास था? शिव जी पर, राम जी पर, लक्ष्मी जी पर, हनुमान जी पर? तो सही अर्थ है लक्ष्मी जी पर। बंसीधर को पंडित आलोपी दिन ने कौन से पद पर नियुक्त किया? बंसीधर को पंडित आलोपी दिन ने कौन से पद पर नियुक्त किया? तो स्थाई मैनेजर, दूसरा दारोगा, तीसरा है रग, तीसरा है की। तो यहां पर स्थाई मैनेजर सही अर्थ है। हम आगे देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। बंसीधर किस विभाग के दारोगा थे? बंसीधर किस विभाग के दारोगा थे? तो हम देखते हैं सही अर्थ, बंसीधर नमक विभाग के दारोगा थे। बंसीधर ने पुल पर क्या देखा? बंसीधर ने पुल पर क्या देखा? बंसीधर ने पुल पर नमक से लदी हुई गाड़ियों देखी। तीसरा, पंडित आलोपी दिन को किसने हिरासत में लिया? तो जवाब हम बोलेंगे पंडित आलोपी दिन को बंसीधर ने हिरासत में लिया। चौथा प्रश्न, मुकदमे में किसकी जीत हुई? तो मुकदमे में पंडित आलोपी दिन की जीत हुई। पांच, पंडित बंसीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? प्रश्न नंबर पांच का जवाब है पंडित बंसीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो जगन्नाथ और रामेश्वर की कामना मिट्टी में मिल गई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए। तो रुद्रवंशी जी क्यों खुले न समाए? क्योंकि अपने बेटे जाते ही वक्त नमक विभाग के दरोगा पद पर नियुक्त हुए, अच्छी खासी नौकरी मिल गई, इसीलिए खुशी के मारे उनका हृदय भरपूर होता है, खुले नहीं समाए। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, बंसीधर घाट को जमुना नदी पर क्यों? तो किसी दूसरा प्रश्न, रात को जमुना नदी पर नमक कुछ हलचल उसको दिखाई दी और उनको शक लगा कि इस
झाड़े के दिन है और आधी रात को ये घाटियों और मनभाव का हल कोलाहल क्यों है? इसलिए वो रात को यमुना नदी पर अपना घोड़ा लेकर जाते हैं। तीसरा, पंडित आलोकजैन को क्यों हिरासत में लिया गया? क्योंकि पंडित आलोकजैन नमक के लदे हुए गाड़ियों उनकी थी, इसीलिए उसको हिरासत में लिए गए। चौथा प्रश्न, बंसीधर की अदालत में क्यों हार हुए? क्योंकि धन और दौलत के कारण बंसी जी यहाँ के सभी अमीरदारों, वकीलों और चपरासी तक उनके कर्जे से दबे हुए थे और कर्ज से दबे हुए व्यक्ति और धन पर पंडित आलोकजैन जी को अखंड विश्वास था, इसीलिए उसकी अदालत में हार हुई। चलो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में देना है। पंडित आलोकजैन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। तो ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, हर वक्त पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। पंडित आलोकजैन दाता गंध के सबसे अमीर व्यक्ति है और धन दौलत पर उनको इतना विश्वास है कि जो उनके यहाँ अक्सर आते रहते हैं, दाता गंध के अमीर व्यक्ति, यहाँ के लोग उनके कर्ज के नीचे अक्सर से लेके चपरासी चपरासी के लेकर कलवर तक वो लोग अपने कर्ज के दबे हुए हैं, इसीलिए वो बड़ा भारी आदमी है। बंसीधर जो नमक विभाग का दरोगा है, मगर पंडित आलोकजैन इतना सुसज्जित व्यक्ति है कि जो अपने मनमानी से सबको दिल जीत लेता है, रुपयों से, धन दौलत से कुछ भी करा सकता, कहता है कि यहां तो क्या पृथ्वी पर, तो क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज चलता है, यहां तो क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज चलता है। इसलिए खासे चलते व्यक्ति ये चारों तरफ उनकी वाह वाह है और सज्जन व्यक्ति उनके सदा व्रत चलता है, 12 मास सदा व्रत चलता है। और ऐसे पंडित आलोकजैन जो एक महान व्यक्ति और धर्म से अपना धन से सबका कर्ज के नीचे दबाए रखते हुए ये व्यक्ति है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पंडित आलोकजैन ने बंसीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? वो भी प्रश्न आईएमपी है। कहते पंडित आलोकजैन ने बंसीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? क्योंकि अपनी घाटी जब पुल पर से लदी हुई थी, एक सज्जन व्यक्ति था और कहते हैं कि उनको किसी ने परास्त, आज तक किसी ने परास्त नहीं किया था। कितने अमीर अमलदार देखे, कितने भी अफसर देखे, मगर बंसीधर जैसा धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ व्यक्ति उसने नहीं देखा था। और उसने अपनी जो नमक की गाड़ियां थी और प्राप्त किया, जो उसको गिरफ्तार कर लिया और उनको इतना हुआ कि जो मुझे आज तक किसी ने परास्त नहीं किया, ये लड़के ने मुझे धन दौलत की परवाह किए बगैर मुझको हिरासत में ले लिया और सच्चाई उनके मार्ग से न हटा, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन होता है और
वो पंडित अलोक जी बंशीधर के पास जाता।